नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है कोरोना का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बता दें, संक्रमितों के आंकड़े में रविवार को बड़ा उछाल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में एक दिन में 16,620 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 50 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 8,861 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महाराष्ट्र में अब तक के कोरोना आंकड़े की बात करें तो अब तक 23,14,413 लोग इस संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। बता दें, झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। रविवार से इसका असर खत्म हुआ। कुपोषण खत्म करने को लेकर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। झारखंड से कुपोषण को खत्म करने को लेकर राज्य सरकार समेत निजी संस्थाएं भी काफी सक्रिय भूमिका निभा रही है। बता दें, खूंटी जिला अंतर्गत लिमडा ब्रकोली पंचायत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें गांव की करीब 150 गर्भवती महिलाएं शामिल हुई। इन महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित कई टिप्स दिए गए। वहीं पोषण के लिए खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। आर्मी बहाली में दलालों से सावधान। रांची के मोराबादी मैदान में सेना बहाली के चौथे दिन शनिवार को 149 युवाओं का डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए चयन किया गया। चौथे दिन सेना बहाली के लिए 1950 युवाओं ने भाग लिया था। आपको बता दें कि 10 मार्च से ही झारखंड के सभी जिलों के लिए रांची में सेना में बहाली चल रही है। बिहार एवं झारखंड के उप महानिदेशक ने कहा कि सेना बहाली की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बाहर प्रभाव से मुक्त है। युवा दलालों से सावधान रहे, जाली दस्तावेज के जरिए सेना बहाली में शामिल नहीं हो। आज विधानसभा में बड़ी घोषणाएं करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 4 दिनों बाद सोमवार को दोबारा शुरू होगी। बता दें, सदन में सामान्य तौर पर चलने वाले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और सामान्य वाद विवाद के अलावा कुछ अहम घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से की जा सकती है। बता दें, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में इन घोषणाओं के माध्यम से सत्ता पक्ष की मंशा अपने अपने वादे और राजनीतिक एजेंडे की प्रतिबद्धता को जाहिर करने की है। मालूम हो कि हाल ही में राज्य कैबिनेट की बैठक में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने संबंधी निर्णय पर मोहर लग गई थी। पटना से बंगाल जा रहे व्यवसायी से करोड़ों की लूट। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, बिहार की राजधानी पटना से बंगाल जा रहे एक व्यवसायी से करोड़ों की संपत्ति लूटकर भाग रहे अपराधियों को पुलिस द्वारा जाल बिछाकर पकड़ लिया गया है। अपराधियों के पास से व्यवसायी से लूटे गए करोड़ों की संपत्ति बरामद कर ली गई है। पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, अपराधी गिरोह के दूसरे सदस्य को पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जेपीएससी एग्जाम के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि सोमवार को खत्म हो जाएगी। बता दें, अभ्यर्थी सोमवार को रात 11:45 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रविवार शाम तक लगभग 3,75,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर चुके थे। आयुष विभाग में जल्द होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष प्रक्षेत्र में नियुक्ति की कवायद तेज कर दी है। बता दें, चिकित्सकों व तृतीय श्रेणी के पदों पर बहाली के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव के सेन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इस प्रक्षेत्र के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली गठित कर ली गई है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी कर कार्मिक विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। गढ़वा में पुलिस ने 2 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। गढ़वा जिले की मेराल थाना पुलिस ने रविवार को थाना क्षेत्र के मकुना टोला से गोवंश प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन्हें जेल भेज दिया है। उक्त मामले में शामिल एक अन्य तस्कर भागने में सफल रहा। झारखंड में 61 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 36, पूर्वी सिंहभूम 11, धनबाद 2, बोकारो 1, रामगढ़ 1, कोडरमा 1, गुमला 4, लातेहार 1, दुमका 1, पाकुड़ से 2 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 193 है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 548 है। भारत में 26,513 नए केस मिले हैं।
भारत में कुल मौत की संख्या 1,58,762 है, वहीं एक्टिव केस 2,16,297 है। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती स्पर्धा के लिए कोडरमा की दो लड़कियों का चयन। झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कोडरमा जिला कुश्ती संघ के दो लड़कियों का चयन हुआ है। बता दें, दोनों लड़कियां गांधी स्कूल रोड स्थित कोडरमा जिला कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास करते हैं। 53 किलो वजन भार में अनमोल कुमारी एवं 55 किलो वजन भार में निभा रानी का चयन हुआ है। जनगणना प्रपत्र में अलग कलम की मांग लेकर राजस्थान पहुंचा झारखंड का प्रतिनिधिमंडल। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान पहुंचा हुआ है। इसमें झारखंड से पूर्व विधायक देव कुमार धान, पूर्व विधायक गीता श्री उराव शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के गोवर्धन गाइस गलता रोड जयपुर में वर्ष 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी कॉलम लागू करने की मांग को लेकर राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। युवा सदन में बेरोजगारी भत्ता की उठी मांग। आडरे हाउस में चल रहे झारखंड युवा सदन 2.0 के अंतिम दिन रविवार को सदन के अंदर प्रस्तावित विधेयक सामाजिक सुरक्षा के ऊपर बहस हुई। विपक्ष के भवनाथपुर विधायक मयंक सिंह का कहना था कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात होनी चाहिए, साथ ही बेरोजगारों को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राशन की गुणवत्ता पर भी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीबों के लिए यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वे इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मिशन बंगाल में जुटे कार्यकर्ता अर्जुन मुंडा। हमारे पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे कैसे जीत की ओर आगे बढ़े उस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप भी सीमावर्ती क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण सहयोगी कार्यकर्ता बन उन्हें सहयोग करें। यह बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कही। बता दें, वह बारागोड़ा प्रखंड की सांड्रा पंचायत के झांझिया शिशु भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। नेशनल हॉकी सब जूनियर में बिहार ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। झारखंड के सिमडेगा जिले में आयोजित 11वें नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप के चौथे दिन रविवार को बिहार की टीम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जूझती हुई नजर आई। हालांकि बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केरल से 2-1 से जीत हासिल की और चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। झारखंड में 3,29,000 सरकारी पद खाली। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5,25,000 पद हैं, इनमें से 3,29,000 पद खाली हैं। बता दें, राज्य के योजना सह वित्त विभाग के अनुसार झारखंड में कुल 5,25,115 पद सृजित हैं, इनमें से 1,95,255 पदों पर ही कर्मचारी हैं। बाकी 3,29,860 पदों पर भर्तियां होने का इंतजार है। इतने अधिक पद खाली होने के चलते सरकारी कामकाज बुरी तरह प्रभावित है। जो अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं उन पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है। सहन शक्ति टेस्ट के नाम पर नर्सिंग छात्राओं से अश्लील हरकत। झारखंड के खुट्टी में नर्सिंग छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक संस्थान के कोषाध्यक्ष ने सहन शक्ति टेस्ट करने के नाम पर छात्राओं के साथ गलत हरकत की। घटना तिरला में एनजीओ होरो द्वारा संचालित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की है। बता दें, इस सिलसिले में आरोपी कोषाध्यक्ष परवेज आलम उर्फ बबलू के खिलाफ खुट्टी महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर भी साक्षर बनेंगे। अब 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर भी साक्षर बनेंगे। बता दें, केंद्र सरकार की स्कूली शिक्षा विभाग पढ़ना लिखना अभियान के तहत राज्य के 24 जिलों में इस अभियान का शुभारम्भ करने जा रही है। बता दें, जिसमें सरायकेला खरसावा जिला भी शामिल है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने जिला साक्षरता मिशन प्राधिकार के सदस्य सचिव को पत्र भेज इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार नव भारत साक्षर कार्यक्रम शुरू करेगी। पढ़ना लिखना अभियान के तहत झारखंड में 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के कुल 2,00,000 निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।